हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, विच इज पीडीआर स्टडी पॉइंट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा सर्कल के बारे में। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ये आपका सर्कल है, ठीक। यहाँ बीच में इसका सेंटर होता है, जिसको सेंटर बोला जाता है। किसी भी पॉइंट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और ये जो बाहर वाला है पूरा, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस, यहां से यहाँ की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोला जाता है। और अगर यहां से यहाँ बीच से दोनों अगर रेडियस को यहां से मिला जाए, यानी सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है यहां से दोनों तरफ, उसको डायमीटर बोला जाता है। इसको डी से डिनोट करते हैं। तो अगर हम सर्कल और डायमीटर में रिलेशन स्थापित करेंगे तो डी इक्वल टू हो जाता है, डी स्टेंस को, डायमीटर इक्वल टू होता है आपका 2R, यानी रेडियस का डबल होता है। डी इक्वल टू होता है 2R, यानी रेडियस इक्वल टू डायमीटर का डबल होता है। अगर हमें R निकालना है तो हमको डायमीटर अपॉन 2 करना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ जो होगा वो रेडियस होगा। अगर रेडियस हमें गिवन होगा तो ये जो डिस्टेंस होगी वो उसकी डबल होगी। उसके बाद हम समझते हैं आगे के कैसे निकालते हैं। अगर R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है तो D इक्वल टू व्हाट। तो D निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, D इक्वल टू होता है हमारा 2 इंटू आर। तो 2 तो 2 और R है हमारा 7, तो 7 2 जा हो जाएगा आपका 14। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर हमें D इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर तो R कितना होगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा हमारा D अपॉन 2। तो D हमारा है 20, 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो R हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये तो था हमारा रेडियस और डायमीटर में रिलेशन। उसके बाद हम आगे बताएंगे कि जो सरकमफेरेंस है उसको हम कैसे निकालेंगे। जो ये पूरी जो सरकमफेरेंस है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो समझा रहा हूं मैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले सी से सरकमफेरेंस होता है, वो होता है हमारा 2πr। पाई जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, पाई इक्वल टू होता है हमारा 22/7, ठीक है। और अगर हम पॉइंट में इसकी वैल्यू 3.14 होता है, ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू होती है इसकी। तो सपोज करो आर आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो इसका सर्कमफेरेंस सी निकालना तो ये होता है 2πr। तो 2 का 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7, आर आपका कितना है 7 गिवन है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 22 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो ये आपका पूरा सरकमफेरेंस जो होता है वो 2πr होता है। इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आ गई आपकी 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो होता है इसका एरिया, यानी ये जो पूरा एरिया है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल ए से डिनोट करेंगे इसको, ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। सपोज आर इक्वल टू आपका है 7 सेंटीमीटर, तो अगर इसका एरिया निकालना है तो ए इक्वल टू होता है
पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर होता है हमारा 7 × 7, क्योंकि आर स्क्वायर है तो दो बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 और 1 carry 15, तो 154 cm². तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आई होप कि आपको ये इतनी चीज़ें समझ में आई होंगे। तो इस वीडियो में आपको सर्कल के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है मैंने। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।